नमस्कार, मेरा नाम पावनी शर्मा है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच दौलत कॉलोनी की इंचार्ज हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, तो इसके चलते बच्चों आपने पहले की तरह ही सावधानियां बरतनी है। अपने हाथों को बार बार धोना है, मास्क लगा के रखना है और सामाजिक दूरी भी बना के रखनी है। इसके चलते बच्चों आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और योगा भी जरूर करना है। जैसे कि सरकारी निर्देशानुसार सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो इसके चलते एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासें शुरू कर दी गई हैं। मैं आपके लिए दिन शनिवार 8 जनवरी 2022 नर्सरी टू फिफ्थ क्लास को जीके का टास्क लेके आई हूँ। नर्सरी क्लास को जीके में ट्रायंगल सिखाने लगी हूँ। बेटा, आप लोग इंग्लिश में लिखते हो ना, ए फॉर एप्पल, वैसे लिखना है। एक स्लैटिंग लाइन, एक यहाँ से स्लैटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ये क्या बन जाता है आपका? ट्रायंगल शेप। ये ट्रायंगल शेप होती है। आपने समोसा खाया है ना, ब्रेड पकौड़ा हो गया, और आपका जो हैंकी होता है ना, उसकी भी शेप ऐसे बनती है। आपकी ये बुक क्या है, नर्सरी की ऑल इन वन वाली, इसका पेज नंबर 68, इसमें भी आपको ट्रायंगल की शेप बनी हुई है। आपने अपने पेरेंट्स के साथ ये बनी हुई है, सिर्फ इसमें कलर फिल करने हैं। मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से, एक स्लैटिंग लाइन, एक इधर से स्लैटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे, आपने भी इसी में कलर फिल करने, मैं इसमें कलर फिल करके दिखाती हूँ आपको। आपने ये ट्रायंगल का कलर फिल करना है और इसकी पिक सेंड कर देनी है। अब मैं LKG UKG क्लास को GK का काम करवाने लगी हूँ। LKG UKG दोनों क्लासों का GK का काम सेम है बेटा, पर आपका ये रिटन वर्क नहीं है, ये ओरल वर्क है। आपने सिर्फ इसको याद करना है। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है बेटा, व्हाट का मतलब होता है क्या, नेम होता है नाम, आवर होता है हमारा, कंट्री होता है देश। हमारे देश का क्या नाम है? हम कौन से देश में रहते हैं बेटा? भारत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया। तो हमारी कंट्री कौन सी हुई? इंडिया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डू यू लिव। बेटा, इन विच का मतलब होता है कौन सा, स्टेट होता है राज्य और लिव होता है रहना। आप कौन से राज्य में रहते हो? कौन सा राज्य बेटा हमारा? ये पंजाब। तो इन विच स्टेट डू यू लिव, इसका आंसर है पंजाब। थर्ड क्वेश्चन आपका, इन विच सिटी डू यू लिव। इन विच का मतलब सेम आ गया, कौन सा, सिटी होता है शहर, लिव होता है रहना। बेटा, आप कौन से शहर में रहते हो? ये कौन सा शहर है? लुधियाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? लुधियाना। आपका अगला क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। विच होता है कौन सा, फ्रूट होता है फल, किंग होता है राजा, और यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स, फल, फ्रूट एक फल और फ्रूट्स होता है बहुत सारे फल। इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि फलों का राजा कौन सा फल है। बेटा, आप सबको ही पता होगा फलों का राजा है आम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। आपने ये चारों ही क्वेश्चन अपने किसी बड़े भाई बहन या माता पिता की सहायता से पढ़ने भी हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं फर्स्ट क्लास को GK में यूनिट नंबर 32 क्लासरूम आर्टिकल्स पढ़ाने लगी हूँ। बेटा, क्लासरूम आर्टिकल्स होते हैं कक्षा रूम की सामग्रियाँ। बच्चे, जैसे ही आप ये पिक्चर्स देख रहे हो ना, आपको ये पिक्चर देख के समझ आ जाएगा कि ये कौन सी सामग्री है, सामान है कक्षा रूम में इस्तेमाल होने वाला। पहले नंबर पे बेटा आपकी पिक्चर बनी हुई है, ये ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को हिंदी में बोलते हैं श्यामपट। बेटा, ब्लैक बोर्ड वो होता है जिसके ऊपर आपकी मैम आपको अपनी क्लास में काम समझाते हैं, ठीक है, करके दिखाते हैं ना, समझाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड। दूसरे नंबर पे ये पिक्चर बनी हुई है आपकी रजिस्टर। आपकी रोज़ सुबह क्लास में अटेंडेंस लगती है ना बेटा, तो जिसमें आपकी मैम अटेंडेंस लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तीसरे नंबर पे ये पिक्चर बनी हुई है टेबल, और टेबल को हिंदी में बोलते हैं मेज। चौथे नंबर पे बेटा ये पिक्चर की क्या बनी हुई है बेटा? चौक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चौक्स। यहाँ पे चौक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक से ज़्यादा चौक हैं, ठीक है। आगे आपकी पिक्चर बनी हुई है बेटा ये कुर्सी, और कुर्सी को इंग्लिश में बोलते हैं चेयर। ये बेटा डस्टर,
और इसको इंग्लिश में भी डस्टर ही बोलते हैं। बेटा डस्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो मैम ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको काम करवाते हैं ना, उसको जो रब करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, डस्टर। ये है बेटा डेस्क। डेस्क बेटा इसको हिंदी में भी डेस्क ही बोलते हैं। इसके ऊपर हम अपना बैग और नोटबुक्स बुक्स रखते हैं। लास्ट में बेटा ये पिक्चर है बेंच की, बेटा बेंच के ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, ये जो मैंने ऊपर स्पेलिंग लिखी हुआ ना, यही स्पेलिंग आपको नीचे भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग अच्छे से आपने देख लेना, लेकिन ये सारे स्पेलिंग आगे पीछे हैं, आपने इन पिक्चर्स की पहचान करनी है और इनके सही सही नाम लिखने हैं। ये देखो बेटा, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, वी मस्ट कीप आर क्लास रूम नीट एंड क्लीन। बेटा इसका हिंदी में मतलब होता है, हमें अपने कक्षा रूम को हमेशा क्या करना रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी सिट ऑन द बेंच एंड कीप आर बुक्स ऑन द डेस्क। हम बेटा बेंच के ऊपर बैठते हैं और अपनी किताबें किसके ऊपर रखते हैं, डेस्क के ऊपर, जैसे मैंने आपको ये ऊपर भी समझाया था। द टीचर सिट्स ऑन द चेयर, और जो अध्यापक होते हैं वो किसके ऊपर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। बेटा आपने ये काम अपनी कॉपी में कर देना है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। अब मैं सेकेंड क्लास को जीके में यूनिट नंबर 32 करवाने लगी हूँ। बेटा आपकी यूनिट नंबर 32 है डांसेस ऑफ इंडिया। डांस का मतलब होता है नृत्य, डांसेस मतलब बहुत सारे नृत्य, भारतीय नृत्य, ठीक है। बेटा ये देखो, ये कुछ डांस आपको दिए हुए हैं, आपको ये देखने और पहचानने हैं कि ये कौन सा डांस है और ये किस स्टेट में होता है। ये देखो नीचे ये लिखा है डांसेस स्टेट्स, ये सारे आपको जो नृत्य डांस है वो बताए गए हैं और ये उनकी स्टेट हैं, जो जिस राज्य में डांस किया जाता है, ठीक है। पहले नंबर पे बेटा ये पिक्चर बनी हुई, ये लड़की डांस कर रही है, कौन सा डांस है, कथक, इसको क्या बोलते हैं, कथक। और ये कौन सी स्टेट में होता है बेटा, ये उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे बेटा ये पिक्चर बनी हुई है, ये जो डांस कर रहे हैं इस डांस को बोलते हैं कथकली। इसकी जो इसने ड्रेस पहननी है ना, जो इसका पहनावा है, उसको देख के पता चल रहा है कि ये कथकली डांस होता है और ये कौन सी स्टेट में होता है बेटा, केरला में। तीसरे नंबर पे बेटा ये जो इनका पहनावा है और जो ये डांस कर रहे हैं, उसको देख के भी हमें पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये भांगड़ा कर रहे हैं। और भांगड़ा कहाँ का, कौन सी स्टेट का डांस है, ये पंजाब का। बेटा ये चौथे नंबर पे ये जो डांस कर रही है, ये होता है ओडिसी, और ये कहाँ, कौन सी स्टेट का डांस है, उड़ीसा का। पाँचवें नंबर पर भरतनाट्यम, और ये भरतनाट्यम जो होता है ये तमिलनाडु का डांस है, तमिलनाडु जो स्टेट है ना उसका डांस है ये। लास्ट नंबर पे बेटा ये क्या कर रहे हैं, गरबा, और गरबा कहाँ पे किया जाता है, कौन सी स्टेट में गरबा किया जाता है, गुजरात में, ठीक है। बेटा ये सारे डांस आपने ये पिक्चरें पहले देखनी है अच्छे से, आपको इन डांस की पहचान होनी चाहिए और कौन कौन सी स्टेट का है वहाँ की भी आपको वो नाम पता होने चाहिए। आपने ये सारा ही काम बेटा अच्छे से पढ़ना है और याद कर लेना है। बेटा ये जो आपका काम है ना, ये आपने सभी बच्चों ने अच्छे से याद कर लेना है और इसको आपने अपनी बुक में ही फिल कर लेना है। जीके में थर्ड क्लास को यूनिट 38 प्रोफेशंस, प्रोफेशंस होता है पेशा, ये पढ़ाने जा रही हूँ। इधर कॉलम ए में उनके काम दिए गए हैं, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, और इधर आप उन्होंने पेशे का नाम लिखना है आपने। वन हु राइट बुक्स, कौन किताबें लिखता है, ऑथर, लेखक। वन हु ड्राइव से ट्रेन, गाड़ी कौन चलाता है, ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर। वन हु मेक्स फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है, कारपेंटर, कारपेंटर होता है बढ़ई। वन हु प्रिपेयर्स फूड, फूड भोजन कौन तैयार करता है, कुक, रसोइया। वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, हवाई जहाज कौन उड़ाता है, पायलट। वन हु सेल्स क्लोथ, कपड़े कौन बेचता है, क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े का व्यापारी। वन हु वर्क्स इन ए माइन, खोदने का काम जो करता है उसको बोलते हैं माइनर। वन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स टैप्स एक्स्ट्रा, जो पाइप और नल को फिट करता है, उसकी रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं प्लम्बर। वन हु स्टिचेस क्लोथ, कपड़े जो सिलाई करता है उसको बोलते हैं टेलर, दर्जी। वन हु सेल्स ज्वेलरी, जो गहने बेचता है उसको बोलते हैं ज्वेलर। वन हु ग्रोज क्रॉप्स, जो फसलें उगाता है उसको बोलते हैं फार्मर, किसान। वन हु कैचेस फिश,
जो मछलियाँ पकड़ता है उसको बोलते हैं फिश मोंगर, मछुआड़ा। वन हु ऑपरेट्स ऑन द पेशेंट, जो मरीजों का ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं सर्जन। वन हु टेंड्स एंड ग्रेजेस शीप, जो भेड़े चराता है उसको बोलते हैं शेफर्ड, गडरिया। आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इधर उन्होंने बताया है कि कौन कौन से काम किए हैं, तो आप लोगों ने उसका नाम बोलना है कि उनका पेशा कौन है। बेटा आप लोगों ने ये सारे जो वर्क दिए हुए हैं ना कि काम कौन कौन से हैं, इनके पेशे के नाम लिख के सुंदर सुंदर शब्दों में पिक करके भेज देने हैं। अब मैं 4 और 5 क्लास को जीके का सेम काम कराने लगी हूँ। यूनिट 46 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, भारत के खेल व्यक्तित्व। कॉलम ए में आप लोगों को खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, तो कॉलम बी में हम लोगों ने बताना है कि वो किस खेल में माहिर हैं। फर्स्ट में धनराज पिल्ले हॉकी में माहिर हैं, राहुल द्रविड़ क्रिकेट में माहिर हैं, अपर्णा पोपट बैडमिंटन में माहिर हैं, वायचुंग भूटिया फुटबॉल में माहिर हैं, प्रगट सिंह हॉकी में माहिर हैं, पीटी ऊषा एथलीट्स में माहिर हैं, चेतन भाभूर टेबल टेनिस में माहिर हैं, लिंडर पेस टेनिस में माहिर है, युवराज सिंह क्रिकेट में माहिर है, विश्वनाथन आनंद चेस में माहिर है। आप लोगों ने इनको सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना और याद करना है। अब मैं उन सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारी नोबल फाउंडेशन संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।